जहाँ तक माँ बाप के अधिकार का संबंध है, इसकी कल्पना हमें एक परिवार की तरफ ले जाती है, क्योंकि किसी भी परिवार के बिना माँ बाप के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छी सभ्यता उसी वक्त हो सकती है जब एक अच्छा परिवार वहाँ पाया जाता हो, और परिवार के लिए माँ बाप का होना अवश्य है। माँ बाप के बिना हम किसी भी परिवार के बारे में सोच भी नहीं सकते। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, अपने बच्चों से वो कितना प्रेम करते हैं, और अपनी सारी मेहनत की कमाई बाप अपने बच्चों पर लुटाता है। माँ दिन और रात एक करके अपने बच्चों के लिए त्याग और बलिदान देकर काम करती है। ये सब कुछ ऐसी परिस्थिति में होता है जब बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं और वो अपने माँ बाप की तवज्जा के मोहताज होते हैं और बेसहारा होते हैं, और माँ बाप अगर उनकी तरफ ध्यान न दें और उनके बारे में त्याग और बलिदान से काम लेकर चिंता न करें, उनका ध्यान न रखें, तो बच्चों का जिंदा रहना भी मुश्किल है। वो बड़े हों और फिर बड़े होकर अपना जीवन व्यतीत करें, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों के बारे में कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। मानव इतिहास के हर युग में हम देखते हैं कि परिवार और माँ बाप के बारे में हर धर्म में और या किसी भी ज़माने में इसकी पोजीशन को माना गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जब तक घरेलू जीवन के अंदर प्रेम न हो, माँ बाप का प्रेम बच्चों के लिए और बच्चों के लिए त्याग न हो, बलिदान न हो, तो हम समझ सकते हैं कि कोई परिवार बन ही नहीं सकता, और उस परिवार से कोई समाज नहीं बन सकता, और समाज से कोई राष्ट्र का निर्माण असंभव है। यही कारण है कि इस्लाम ने परिवार को, खानदान को बहुत ही महत्व दिया है और इसे एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन कहा है। मैं आपके सामने बताऊंगा कि माँ बाप के अधिकार के संबंध में कुरान ने क्या बातें कही हैं, क्या शिक्षा दी है और क्या आधार बताया है, और इसी तरह से प्रॉफिट मोहम्मद उन पर अल्लाह का अनुग्रह हो और अल्लाह की सलामती हो, उन्होंने भी माँ बाप और ख़ानदान के बारे में बहुत ही अच्छे विचार और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने विचार बताए हैं। जहाँ तक कुरान का संबंध है, कुरान में ये बात बताई गई है। कुरान के एक चैप्टर है सूरे, उसे लुकमान कहा जाता है, चैप्टर नंबर 31, उसमें ये बात बताई गई है अल्लाह ईश्वर की तरफ से कि हमने इंसान को ताकीद की है, माँ बाप के संबंध में बताया है कि उनकी माँ ने तकलीफ़ पर तकलीफ़ उठाकर उसे अपने पेट में रखा और 2 साल तक उसे दूध पिलाया, और 2 साल तक दूध छूटने में लगे हैं। इसीलिए मनुष्य या औलाद अपने माँ बाप के अधिकारों को पहचाने। कुरान के एक और चैप्टर बनी इसराइल, उसमें माँ बाप के संबंध में ये बात कही गई है कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो, माँ बाप के साथ भलाई करो, अच्छा व्यवहार करो, और
माँ बाप से कभी नाराज़ ना हो, उनसे खफा ना हो, माँ बाप का आदर करो, उनको उफ तक ना कहो और उनके आज्ञाकारी और उनके फरमाबरदार बनकर रहो। कुरान में ये विषय और भी बहुत सारे जगह पर आया हुआ है, परंतु मैं कुरान के सिर्फ केवल यही दो रेफरेंस देकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद ने आज से 1450 वर्ष पहले अपनी जो बातें हैं उनमें भी माँ बाप के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण इशारे दिए हैं। एक अवसर पर आपने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति अपमानित हुआ, यानी वो व्यक्ति जलील हुआ। ये बात तीन बार आपने लोगों के सामने बयान की, बताया, तो जो अनुयायी बैठे हुए थे सभा में, उन्होंने पूछा कि अरे प्रॉफिट, वो कौन व्यक्ति है जो अपमानित हुआ, जलील हुआ? तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने बूढ़े माँ बाप दोनों को पाया, या दो में से एक को पाया, और उनकी सेवा करके, उनका आज्ञाकारी बनकर, उनके फरमाबरदार बनकर वो स्वर्ग में प्रवेश करने के काबिल नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति वो जलील हुआ। इसी तरह से एक और अवसर पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप का आज्ञाकारी हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, उनकी सेवा करे, तो ईश्वर अल्लाह इस दुनिया में उस व्यक्ति की आयु को बढ़ा देता है, उसकी रोज़ी में भी बढ़ा देता है। तो ये इसी दुनिया में माँ बाप की सेवा और उनके अधिकार जब पूरे किए जाएं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो इसका लाभ इसी दुनिया में भी ये निकलता है। एक बार का एक ऐसी घटना आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि एक जवान एक बूढ़े बाप को लेकर प्रॉफिट मोहम्मद के सेवा में हाजिर हुए, और उन्होंने कहा कि मेरे बाप हैं, ये बूढ़े हैं, मैं जो पैसा कमाता हूँ ये मुझे बताए बिना, पूछे बिना वो पैसा निकाल लेते हैं, मुझे बाद में पता चलता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने बूढ़े बाप से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारा बेटा तो ये कह रहा है, तुम क्या कहते हो? तो बूढ़े बाप ने कहा कि ऐ प्रॉफिट, एक ज़माना था जब ये मेरा बेटा छोटा सा था और बेसहारा था, मैं अपनी पूरी कमाई इस पर खर्च करता, इस आशा के साथ कि ये बड़ा होगा और एक दिन जिंदा होकर जिंदा रहेगा और इसका पालन पोषण मैं करूं और ये मेरी सेवा करेगा। तो इस आशा के साथ मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, अब ये जवान हो गया है और अब ये कमाता है, तो उसमें से मैं बहुत कम थोड़े से पैसे लेता हूँ, तो ये मुझसे नाराज़ होता है। ये सुनना था कि प्रॉफिट मोहम्मद रो पड़े, उन्होंने रोकर कहा उस जवान युवक से कि जा, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है, तेरा क्या है, तुम अपने बाप के साथ चले जाओ। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बुढ़ापे के जीवन में माँ और बाप, इनकी सेवा करना, इन पर अपना माल और पैसा खर्च करना, इन पर कोई एहसान उपकार नहीं है, बल्कि ये उनका अधिकार है और जो भी करता है ये उनका हक अदा करता है, उनके ऊपर कोई उपकार नहीं है। जब धर्म नहीं होता तो होता है अधर्म, और बिक
बिखर जाता है समाज अनेक टुकड़ों में। इन टुकड़ों को करना है एकजुट ताकि आम हो एकता और अखंडता का संदेश। लॉग इन करें www.islamic-videos.com। ये बहुभाषीय वेबसाइट दूर कर देगी हर संदेह को, ढा देगी भ्रांति और गलतफहमी की हर दीवार। जाने पहचाने चेहरे खोलेंगे ये राज, इस्लाम शांति और अमन का पैगाम। लॉग इन करें www.islamic-videos.com। फिर एक और घटना प्रॉफिट मोहम्मद ने बताई अपने अनुयायियों को कि एक बार तीन व्यक्ति मिलजुल कर कहीं जा रहे थे तो मौसलाधार वर्षा बरसने लगी, तो उससे बचने के लिए वो एक पहाड़ की गुफा में अंदर दाखिल हो गए, अंदर चले गए। जब अंदर गए तो अचानक एक चट्टान उस गुफा के मुंह पर आ गई और गुफा का रास्ता बाहर निकलने का बंद हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो तीनों ने देखा कि अब तो मौत हमारे सामने है, हम इस गुफा में से कैसे निकलेंगे, इसका तो बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया है। फिर तीनों ने आपस में सलाह की और ये निर्णय लिया कि आओ अपने अपने जीवन में हमने अल्लाह ईश्वर ही को संतुष्ट करने के लिए कोई पुण्य कार्य अगर किया है तो उस पुण्य कार्य को हम प्रार्थना के रूप में पेश करें और अल्लाह से दुआ करें, प्रार्थना करें कि ऐ ईश्वर, हमने ये कार्य केवल तेरी प्रसन्नता के लिए, तुझे संतुष्ट करने के लिए किया था, आज तू इसे स्वीकार कर ले और हमारे लिए इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बना दे, इस चट्टान को मुँह से हटा दे। तो उनमें से एक व्यक्ति ने जो पुण्य कार्य बताया वो कार्य ये था कि उसने कहा कि ऐ ईश्वर, ऐ अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप के साथ इस तरह का सदव्यवहार किया है कि मैं उनके लिए बकरियाँ चराता और शाम में जब वापस आता घर पर तो सबसे पहले माता पिता माँ बाप को मैं दूध पिलाता और उसके बाद मेरे बच्चों को और मैं खुद दूध पीकर हम सो जाते। एक बार मैं जब शाम में वापस घर लौटा तो देर हो चुकी थी और मेरे माँ बाप दोनों सो चुके थे। उनको सोता हुआ देखकर मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं अपने बच्चों को पहले दूध पिला दूं और मेरे माँ बाप को वो कम पड़ जाए तो उनको बहुत दुख होगा और अगर वो मुझे श्राप दे दें, बुरा मुझसे नाराज़ हो जाएं तो ये ठीक नहीं है। और दूध का प्याला हाथ में लेकर मेरे माँ बाप के सिरहाने मैं खड़ा रहा और देखता रहा कि कब मेरे माँ बाप जागेंगे और मुझसे दूध मांगेंगे, मैं फौरन उनको दूध दे दूँ और उसके बाद मैं दूध पीऊँ, मेरे बच्चे दूध पिए। परंतु सुबह होने तक माँ बाप जागे नहीं और मैं सुबह होने तक दूध का प्याला अपने हाथ में लेकर ऐसे ही रहा और मेरे बच्चे और मैं भूखे ही रह गए। तो ऐ अल्लाह, ऐ ईश्वर, अगर मैंने ये तुझे संतुष्ट करने के लिए पुण्य कार्य किया है तो इसके बदले में आज गुफा का जो मुंह बंद हो गया है उसकी चट्टान को दूर कर दे और हमारे लिए बाहर निकलने का प्रबंध कर दे। तो ये प्रार्थना करना था कि उस गुफा का जो रास्ता निकलने का बंद था, चट्टान थोड़ा सा खिसक गई और बाहर निकलने के लिए रास्ता बन गया। भाइयों और बहनों, आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने बताया कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग है और एक अवसर पर ये फरमाया
कि बाप स्वर्ग का दरवाज़ा है। कुल मिलाकर इस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का बताना ये है कि माँ बाप ये दोनों तुम्हारा स्वर्ग हैं, इनकी सेवा करो, इनकी दुआ लो और इनके साथ सद्व्यवहार करो और इनके साथ निम्रता से और प्रेम से पेश आओ तो तुम्हारे लिए स्वर्ग है। लेकिन आज की स्थिति को हम देखें कि समाज में आज क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि आज बूढ़े माँ बाप के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है। नई पीढ़ी शादी से पहले भी और विवाह के बाद भी वो अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। चंद ही लोग होंगे जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा उनके साथ व्यवहार करते हैं। पश्चिमी देशों में तो हमें ये बात मालूम होती है कि वहाँ माँ बाप की कोई इज्जत नहीं की जाती, माँ बाप के साथ सेवा का और अच्छा व्यवहार करने का वहाँ कोई ऐसा प्रबंध या कोई ऐसा रिवाज नहीं पाया जाता। देखिए, एक घटना में बताया जाता है कि एक नौजवान को बताया गया कि उसके बाप को जो ओल्ड एज होम्स में रखा गया था, उसका मृत्यु उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसने उस व्यवस्थापक को फ़ोन पर बताया कि मेरे बाप का क्रियाक्रम या उसकी आखिरी रसूमात को करके जो बिल बनता है वो बिल मेरे अकाउंट में से ले लेना, वो पैसा ले लेना। यानी बाप के मरने पर ये युवक इतना भी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है कि वहाँ जाए, आखिरी बार अपने पिता को बाप को देखे और उसकी आखिरी रस्म में वहाँ वो शरीक रहे, इतनी भी वो अपनी जिम्मेदारी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में भी पश्चिमी देशों की ये लानत आ रही है। यहाँ भी ऐसी घटनाएं हैं कि बूढ़े माँ बाप को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ घूमने के लिए बाहर चले गए, घंटों बाहर रहे और वो अंदर रो रो कर चिल्ला रहे। हमारे देश के अंदर अनेक राज्यों में अभी ओल्ड एज होम्स या डेस्टिट्यूट हाउसेस बनाए गए हैं, जहां बुढ़ापे में जब घर की आवश्यकता हो है और माँ बाप की सेवा करने की आवश्यकता है, किसी जोड़े ने लाकर माँ बाप को बंद कर दिया, इसमें डाल दिया और अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं। ये सोचने की बात है कि बुढ़ापे में जब माँ बाप हमारे सहारे के मोहताज हैं, ऐसे में उन माँ बाप के साथ ये व्यवहार करना और फिर महीनों उनकी खबर ना लेना, महीनों वो कैसे हैं उनकी कोई चिंता ना करना, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हालांकि पार्लियामेंट ने 6 दिसंबर 2007 में एक बिल पास किया है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स बिल 2007 में पास किया है। इसके बिल के अंदर ये बात बताई गई है कि सीनियर सिटीजन होने के बाद माँ बाप से कोई अगर गलत बर्ताव करते हैं और उनको तकलीफ पहुंचाते हैं तो इस कानून के अनुसार 3 महीने की जेल सज़ा और उनके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना डाला जा सकता है। केवल कानून से बात बनने वाली नहीं है, असल ये है कि माइंडसेट बदले। जो माँ बाप के बारे में विचारधारा है वो बदले और नई पीढ़ी हमारी इस बात को समझ ले कि जब बचपन में वे बेसहारा थे, माँ बाप ने उनके लिए त्याग और बलिदान देकर उनके लिए कष्ट उठाया और उनको बड़ा किया, पालन पोषण किया, उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई और उनका विवाह किया, और अब जबकि माँ बाप
मोहताज हैं, तो ऐसे में उनके साथ ये व्यवहार करना सही नहीं है। ये विचारधारा बदलेगी तो हमारा माँ बाप के बारे में व्यवहार भी, हमारा बर्ताव भी बदलेगा। इस्लाम में मृत्यु के बाद भी माँ बाप के अधिकार बताए गए हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि माँ बाप दोनों या दोनों में से किसी एक के मरने के बाद बताया गया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए अल्लाह से कि ऐ ईश्वर, ऐ अल्लाह, बचपन में और जवानी में जिस तरह से मेरे माँ बाप सहारा बने, आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उनको तो स्वर्ग में ऊंचे स्थान पर रख और उन्हें हर कष्ट से और तेरे नाराज़गी से उन्हें सुरक्षित रख और उनके हक में मेरी प्रार्थना को कबूल कर फरमा। इसी तरह से माँ बाप के मरने के बाद उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त जो भी हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनका आदर करना और उनका रिस्पेक्ट करना और उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना, ये मरने के बाद माँ बाप के अधिकार हैं। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप के साथ इस दुनिया में जैसा व्यवहार होगा वैसा ही बदला ईश्वर अल्लाह उनके बच्चों को देगा और मरने के बाद भी ऐसा ही बदला उनको दिया जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि हम सब अपने जीवन में माता पिता माँ बाप की सेवा करें, उनका उनकी दुआ लें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उनको कोई तकलीफ़ अपनी तरफ से न होने दें।